ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल। गोपालगंज जिला के हतुआ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बुनियादी केंद्र में उज्जवल दृष्टि अभियान के तहत निःशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ सूबे के समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह ने हतुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन एवं डिप्टी कलेक्टर पिंकी कुमारी के उपस्थित में की। मौके पर उन्होंने 50 से ज़्यादा बुजुर्गों एवं दृष्टिबाधित लोगों को चश्मा का वितरण किया तथा लोगों से अपील की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आँखों का इलाज करा सकें तथा लोगों को चश्मा मुफ्त में वितरण किया जा सके। वहीं पत्रकार को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य भर मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार योजना बनाकर समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिनकी आँखों की रोशनी कम है या जिनका उम्र 50 साल से ज़्यादा है उनकी आंखों का इलाज कर उन्हें चश्मा बांटा जा रहा है तथा राज्य भर के करीब 101 बुनियादी केंद्र के माध्यम से करीब 1,00,000 लोगों को चश्मे का वितरण करने का एक लक्ष्य रखा गया है। इसे प्रत्येक कार्य दिवस के दिन आंखों की जांच कर वितरण किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके अलावा दिव्यांगजनों के लिए ट्राई साइकिल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने में सहयोग करें। जो शिविर आयोजन किया गया है देखिए कि हथुआ अनुमंडल में बुनियादी केंद्र के माध्यम से आज समाज कल्याण विभाग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार राज्य के जितने हमारे नेत्र में गड़बड़ी हो, जैसे मान लीजिए कि नज़दीकी में दूरी में गड़बड़ी वाले लोगों जिनका उम्र 50 वर्ष या 50 वर्ष से अधिक, वैसे लोगों के बीच में जिनका नज़दीकी या दूरी में गड़बड़ी है सभी के लिए सरकार के माध्यम से चश्मा का व्यवस्था मुफ्त में किया गया था, उसी कड़ी में आज यहाँ एक उद्घाटन के रूप में किया गया। और हम समझते हैं कि बुनियाद केंद्र के माध्यम से प्रत्येक दिन जो मान लीजिए कि कार्य दिवस है उसके अनुसार पूरे राज्य के 101 अनुमंडल कार्यालय के माध्यम से जो बुनियाद केंद्र स्थापित है उनके माध्यम से राज्य के सभी लाभुकों के बीच में एक मतलब मान लीजिए कि अनुमानित किया गया है कि 1 करोड़ के लगभग लाभुकों के बीच में मुफ्त में चश्मा का वितरण करना है। और उसके बाद से कई यंत्र हैं, मान लीजिए कि